सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हैरी पॉटर का एक नया गेम आने वाला है जिसका नाम है हॉगवर्ट्स लेगेसी, और इस पे वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले ही बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो बाद में देख लेना। पर आपको पता है कि लास्ट वीक जो है PS5 की शोकेस इवेंट में हैरी पॉटर का न्यू गेम रिवील हुआ था, जो कि था हॉगवर्ट्स लेगेसी, जो कि एक RPG एलिमेंट वाला गेम है जिसमें कि आपको RPG एलिमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत पहले ही बनना शुरू हो गया था। 2018 में इसकी जो लीक आई थी वो सबसे पहले लीक थी, वो कुछ फुटेज थी, तभी से लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे इस गेम के लिए कि ये गेम उनको कब देखने को मिलने वाला है। लेकिन कोई चांस था नहीं कि वो इस टाइम PS5 के इवेंट में देखने को मिल जाएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये गेम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा इस बारे में कि क्या पता सोनी इस बार इस शोकेस में हैरी पॉटर का कोई नया गेम दिखा देगा, पर ऐसा ही हुआ। हैरी पॉटर का गेम हमें देखने को मिल गया, और इसके बारे में जो भी जानकारी है इस गेम के बारे में वो मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो आई बटन पे आ रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बात करने वाले हैं हैरी पॉटर के अपकमिंग गेम्स के बारे में। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छे लगे तो फिर लाइक ठोक के जाना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करें हैरी पॉटर के बारे में, सभी ने सुना है आज के डेट में हर कोई हैरी पॉटर का फैन रहा है, उसके मूवीज का और उसके गेम्स का जो कि पहले आते थे, जो कि उसकी पूरी मूवी पर बेस्ड होते थे गेम, बट लोगों ने बहुत उसको पसंद किया, इसलिए फाइनली हमें नेक्स्ट जेन बहुत बड़ा गेम देखने को मिल गया है जो कि 2021 में PlayStation, Xbox और PC में रिलीज होने वाला है। सो गाइस, इस गेम में पहली बात तो यह है कि इस गेम में आप एक प्लेयर होते हो जो कि हैरी पॉटर नहीं है, आप एक खुद के बनाए हुए प्लेयर से खेल सकते हो। यानी आपको इस गेम को स्टार्ट करने से पहले, इस गेम में जाने से पहले आपको अपने हिसाब से अपने प्लेयर को क्रिएट करना होगा, जो कि बहुत दिलचस्प है। इसमें कोई हैरी पॉटर का आई थिंक कोई सीन नहीं है, इसमें आप अपने हिसाब से अपने प्लेयर को क्रिएट करते हो, जस्ट लाइक GTA 5 ऑनलाइन, जब आप जाते हो ऑनलाइन में तो आप क्रिएट करते हो और फिर अपने हिसाब से जो हॉगवर्ट्स में एंट्री लेते हो, और जो टाइम होता है वो होता है 1800 सदी का, तो उस टाइम पर ये गेम पूरा बेस्ड है और उसी टाइम पर आप हॉगवर्ट्स पे एंट्री करते हो, और आपके हाथ में कि आपको अपना प्लेयर कैसे बनाना है, कैसे चूज करना है, यहाँ तक कि आप मेल फीमेल में से भी चूज कर सकते हो। डेविड हेडेड जो कि प्रेसिडेंट हैं वार्नर ब्रोस के, उन्होंने कहा है कि हॉगवर्ट्स लेगेसी में आपको पूरा कंट्रोल दिया जाएगा अपने प्लेयर पर, यानी आप अपने हिसाब से हॉगवर्ट्स घूम सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो वो सारी चीज़ें, RPG एलिमेंट, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर सकते हो इस विजार्डिंग वर्ल्ड में, यानी कि हॉगवर्ट्स में। सो गाइस, हॉगवर्ट्स लेगेसी एक ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि एग्जिस्ट करता है विजार्डिंग वर्ल्ड में, और गेम डेवलप हुआ है एवलांच स्टूडियो और पब्लिश हुआ है वार्नर ब्रोस से, जो कि हैरी पॉटर की सीरीज और मूवीज को प्रोड्यूस करती है। हॉगवर्ट्स में आप लेसन्स ले सकते हो, चाहे वो लर्निंग न्यू स्पेल्स हो गया, मैजिक सीखने हो, या फिर आपको कोई क्लास लेनी हो जैसे कि हर्बोलॉजी, पोशन के ऊपर, या फिर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, यानी जो वहाँ पर बुरी ताकतें होंगी उनसे आप कैसे लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी। और ये गेम एक पूरा ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है जहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे मैजिकल क्रिएचर भी डिस्कवर कर सकते हो। अब मैजिकल क्रिएचर मतलब वही है, ये फैंटास्टिक बीस्ट, अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें जो आपको बीस्ट देखने को मिलते थे वही सारे बीस्ट आपको इस गेम में भी आपको डिस्कवर करने होंगे, हर जगह जाके बहुत सारी लोकेशन को विजिट करके, लाइक फॉरबिडन वेस्ट, फॉरबिडन फॉरेस्ट, हॉगवर्ट्स कासल और हॉग्समीड विलेज, मतलब बहुत सारे जो आसपास के जो जंगल है, मतलब आप पूरी तरह से आप हॉगवर्ट्स को फ्री एक्सप्लोर कर सकते हो। ओपन वर्ल्ड गेम है तो आप नए नए जो लोकेशंस हैं उनको आप डिस्कवर कर सकते हो, बहुत कुछ है इस गेम में। मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी है तो वो ये है कि ये गेम आपका बिल्कुल एज अ मूवी ही बूस्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही आप अपने प्लेयर को क्रिएट करोगे तो आपको वहीं कहीं शॉप में जाके आपको हॉगवर्ट्स के लिए और अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी होगी, लाइक वॉन्ड, वो जादुई छड़ी, या फिर वो झाड़ू हो गया, ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। और जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वहाँ पर ऐसे बहुत से फैंटास्टिक बीस्ट हमें दिखाए गए हैं जो कि आपने हैरी पॉटर की मूवीज में देखा है, और वही सारी चीज़ें इस गेम में इन्वॉल्व की हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस गेम को खेलने का। जहाँ तक आपने देखा होगा ट्रेलर में, लाइक बॉगवर्ड्स, हिपोग्रिफ, डेमेंटर्स और मूनक्लेव्स, यानी कि हिपोग्रिफ यानी बगबी जो कि आपने देखा होगा प्रिजनर ऑफ एस्कबान में, बॉगवर्ट्स वही है कि जो कौन सी आई थिंक वो सीरीज थी, आई थिंक एस्कबान थी वो, जहां पर एक ऐसी चीज़ आपके
डर का रूप ले लेती है। वो क्या था, वो रूपांतरम है आई थिंक, शायद कमेंट करके मेरे को करेक्ट कर देना। डिमेंटर्स वही है जो कि दम पिशाच कहलाते हैं मूवी में, जो कि आपको चूसते हैं, आपकी जो अच्छी आदतें हैं, जो कि आपकी अंदर की जो शक्ति है उसको वो चूसते हैं। और इसमें एक और बीस्ट दिखाया था, उसका मुझे नाम पता नहीं, शायद आपको पता होगा, जो कि पार्ट टू में था, जब वो हारमोनी की बाथरूम में आ जाता है वो वाला बीस्ट, उसका नाम मुझे पता नहीं, बट आई नो आपको पता होगा तो मुझे बता देना। वेट है कि मुझे इसमें देखना है काल दृष्टि को, यानी वो जो सांप जो होता है, जो कि आपको हैरी पॉटर के पार्ट टू में चेंबर ऑफ सीक्रेट में आपको दिखाया था, वो भी इसमें होगा 110%, क्योंकि अब ये सब चीज़ें हैं तो उसमें वो भी होगी। और ड्रैगन फाइट्स भी होगा, जो कि आपने मूवी में देखा था गॉबलेट ऑफ फायर में, जो कंपटीशन होता है वो उस ट्रॉफी के लिए, उसमें आपको कुछ ड्रैगन से भी लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें भी इसमें आपको दिखाई दे रही है ट्रेलर में यार। तो मतलब ये गेम एक फुल पैकेज होने वाला है हैरी पॉटर के मूवीज़ का। फर्क बस इतना कि इसमें आप होते हो हैरी पॉटर की जगह पर, और आप ही के हाथ में है कि इसमें डायलॉग चॉइस भी दे रखे हैं, तो फिर आप ही के हाथ में कि आपको गुड बनना है या फिर इवल बनना है। इसमें चॉइसेस हैं तो हर चॉइस का अपना एक कॉन्सिक्वेंस होगा, तो जो भी आप चॉइस करोगे, जो भी आप फैसला लोगे, उसी के हिसाब से गेम आगे बढ़ेगा और उसी के हिसाब से जो आपका प्लेयर है वो गुड या फिर इवल बनेगा। वो सब आपके हाथ में है कि आपको इस गेम को एज अ गुड प्लेयर खेलना है या फिर लाइक अ ईवल खेलना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यार इस गेम में। मतलब इस गेम को ये सब सुन के आई नो कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत वेट कर रहे होंगे इस गेम का, बट मैं तो बहुत कर रहा हूँ। ये गेम 2021 में आने वाला है और 21 में कब आने वाला है, तो आई थिंक ये मिड अगस्त तक आएगा यार, और या फिर 2021 के क्रिसमस टाइम पर भी आ सकता है ये गेम। जहाँ तक बात करें इसकी स्टोरी की, तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया है वो वीडियो देखने के लिए, जो कि आपको, जो कि मैं आई बटन पे दे चुका हूँ, और मैं वीडियो की एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और हैरी पॉटर की तरह इसमें भी आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहोगे, आपके पास भी कुछ एबिलिटीज़ होंगी जो कि मैजिक से रिलेटेड होंगी, तो फुल टू पैकेज है बॉस। मून कार्स वही है जो कि आपको देखने को मिलते हैं फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में, और वही चीज़ आपको देखने को मिली थी ट्रेलर में भी। तो हाँ, यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको गेम में देखने को मिलेगी मूवीज से रिलेटेड। सो गाइस, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे, और आने वाले टाइम पे जो भी इसके अपडेट आते रहेंगे या फिर इसकी न्यूज़ निकल के आती रहेगी, वो सारी न्यूज़ हम इस चैनल पे कवर करने वाले। सो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और उसे ऑल पर सेलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले जो उसका अपडेट है वो आप तक पहुंच जाएगा जैसे तैसे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो मैं हूं विकी, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, खुश रहें, सी यू सून एंड गुड बाय।